वाराणसी में 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन तैयारियों में शिरकत करने के लिए आज पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आ रहे हैं। आज बीजेपी की तरफ से कमल संदेश बाइक रैली निकाली जा रही है, खुद मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करेंगे और आज मुख्यमंत्री जिन लोगों से मिलेंगे उनमें कुछ खास लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय यहाँ कुछ लोग हैं जो कि दिव्यांग हैं और अब ये मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं इनमें से कुछ लोगों से। जी, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम संजय सिंह मेरा नाम है। आप लोग यहाँ पर इस समय क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोगों को मालूम भैया है कि कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं बाइक रैली में भारतीय जनता पार्टी के उद्घाटन करने के लिए, लेकिन हम लोग दिव्यांग लोग अपनी मांगों को लेकर हम लोग उनको मांग सौंपेंगे और उनका हार्दिक एवं स्वागत का अभिनंदन भी करेंगे। किस तरीके की मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग आज से नहीं, सन 2010 से चली आ रही है और हम लोग लखनऊ मैदान, हजरतगंज मैदान से लेके हम लोग आज तक पूरे वाराणसी में से लेके हम लोग हजरतगंज मैदान तक हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पत्रक दे चुके हैं और आज हम लोग मुख्यमंत्री को भी पत्रक सौंपेंगे। किस तरीके की मांगें आपने सरकार से की हैं? हम लोगों की मांग है कि दिव्यांगों की बिजली निःशुल्क हो, हर जिले में एक विकलांग मार्केट खुले और हम लोगों को प्राथमिकता पहली दी जाए नौकरी में। हम लोग को 5% आरक्षण दिए, जो कि सरकार ने हम लोगों की मांग 5% आरक्षण और पेंशन 200 रुपये हम लोगों को प्रति माह मोहाली बढ़ा दिए हैं। हम उनका हार्दिक एवं अभिनंदन करते हैं इस बात पर, लेकिन हम लोगों की मेन है बिजली निःशुल्क हम लोग की चलती है। दिव्यांगों की मुख्यमंत्री से कई सारी मांगे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इन्होंने अपनी ये मांगे रखने के लिए आज मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला भी किया है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आने में थोड़ी देर है और ये लोग इंतजार कर रहे हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगे उन्हें सौंपने का। अर्णिमा द्विवेदी, ETV वाराणसी।